अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि के जातक हैं, आज आपको बड़े पैमाने पर लाभ मिल सकता है। आपकी माली हालत अच्छी होगी, रुका हुआ धन मिलेगा, और यदि भूमि भवन में कोई पूंजी निवेश करते हैं तो लाभ मिलेगा, जमीन खरीद सकते हैं और घर बनाने का योग बन रहा है, सुख सुविधा में वृद्धि होगी, पत्नी का सहयोग मिलेगा, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है। तो जो कर्क राशि वाले जातक हैं, आपका एक तो लग्न में राहु है, तो जब लग्न में राहु होता है तो व्यक्ति क्या होता है कि बहुत नेगेटिव थॉट पे चला जाता है, नेगेटिव सोचता है और अपनी मनस्थिति को ख़राब कर लेता है। तो अपने मनस्थिति को आप अच्छा करें और अपनी पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और वहीं राहु की पंचम दृष्टि संतान भाव पर रहता तो संतान से लाभ होगा, संतान के लिए प्रगति होगा, और करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो संतान आज अच्छा करेगा और घर की जो आपकी जिम्मेदारी है उसको निर्वहन करने में सफल रहेंगे और आपके जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। और नवम भाव पर बृहस्पति का घर है तो यहाँ से क्या होता है कि आज आपको नया कार्य हो सकता है, नए इंट्यूशन हो सकते हैं, सिक्स सेंस आज आपको अगर बात मानते हैं तो उससे लाभ होगा और आपकी बहुत सारी परेशानियों का समाधान होगा। और आज आपका जो सिंह का चंद्रमा है तो चंद्रमा क्या करता है कि आज आपको विभिन्न प्रकार के स्रोत से धन, जैसे आप लेखन कार्य में रुचि बढ़ेगी, साहित्यिक अभिरुचि बढ़ेगी, इंडस्ट्री में बढ़िया कार्य कर सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से आज आपको लाभ मिल सकता है। और चंद्रमा सीधे आठवें भाव को देख रहा है तो अगर समुद्र के किनारे अगर कोई व्यापार करते हैं या समुद्र पार कोई व्यापार करते हैं तो आज आपको लाभ मिलेगा। आज आपको सावधानी का व्रत नहीं है, सावधानी व्रत के अपने खर्च पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है और अपने स्वभाव को थोड़ा सा, जो स्वभाव आपको ख़राब लगता है उस तरह का स्वभाव दूसरों के साथ व्यवहार न करें, आपके लिए थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है, उपाय ये करना है कि भगवान विष्णु जी की पूजा करें, अच्छा रहेगा। और शुभ अंक 5 है, शुभ रंग नीला है, लक मीटर 6 है। हरे कृष्ण।